हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। देखिए, अपने नॉलेज थ्रू क्वेश्चंस का आज हम तीसरा वीडियो लेके आए हैं और इसमें हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे और इसी के तहत और भी इससे जो रिलेटेड नॉलेज है उसको गेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, लोक अदालत हैव बीन क्रिएटेड अंडर। ठीक है, पहला सवाल जो कह रहा है कि लोक अदालत जो है वो किस एक्ट के तहत आया था। इसका आंसर ए होगा, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। और ये एक्ट कब आया था? ये एक्ट आया था 1987 में। ठीक है, और इसको इन्फोर्स किया गया था 1995 में। चलिए, लोक अदालत जो कभी पहली बार कहीं बैठी थी ना, वैसे लोक अदालत का कॉन्सेप्ट हम एंशियंट टाइम से देखते आ रहे हैं। ठीक है, एंशियंट टाइम से ही हमें मिलेगा इंडियन सिस्टम में। पर इसका जो मॉडर्न फॉर्म था ये 1982 में एक एक्सपेरिमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं अगर, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस 1982 में इसको कोशिश की गई थी, इस पर एक टाइप से एक्सपेरिमेंट किया गया था। और इसको देख के एक्सपेरिमेंट, जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था ये, इसको देख के फिर इसको 87 के एक्ट में, नालसा एक्ट, ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत इसको स्टेटरी अथॉरिटी दे दी गई। ठीक है, ये हमारा था लोक अदालत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, लोक अदालत के बारे में एक चीज कह लो, ये गांधियन प्रिंसिपल के, ठीक है, हमारे कभी अगर सवाल आ जाए कि क्या है ये नालसा एक्ट या गांधियन प्रिंसिपल कौन से निम्नलिखित में से हैं, तो ये एक आपका लोक अदालत ये गांधियन प्रिंसिपल के पेज है, पहली बात तो ये। ठीक है, और इसको इसके पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी है, यानी ये बेसिकली संविधान में हो ना हो लोक अदालत, लेकिन ये हमारे स्टैट्यूट में है, यानी पार्लियामेंट से पास होके बना है। ओके, यानी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी है इसके पास। ऑलराइट, तो ये था। चलिए अपने अगले सवाल में चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, दी हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। ये सीधा सीधा जो है सवाल है, ये आप मिसलेनियस से पढ़ेंगे किसी भी जीके किताब में आपको ये मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अभी की बात करें अगर, तो ये है वेस्ट बंगाल में, एक घूम जगह है, या आप इसको घूम पढ़िए, ये दार्जिलिंग में पड़ता है। ठीक है, ये ही जो है, ये स्टेशन घूम स्टेशन जो है वो इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है एट प्रेजेंट। लेकिन अभी जो है एक और बनाया जा रहा है मनाली लेह को कनेक्ट करते हुए बेसिकली बनाया जा रहा है। ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बनेगा एक स्टेशन जिसका नाम होगा तागलांगला। ये बनेगा जो कि ये होगा हमारा बिलासपुर मंडी लेह के लाइन पे, और ये बनेगा जब ये हाईएस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट हो जाएगा, केवल इंडिया का नहीं, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। हाँ, तो इसका आंसर क्या था? आंसर इसका था सी। तीसरा सवाल कहता है, विच सिटी इन इंडिया इज लीस्ट पॉपुलेटेड अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2021। देखिए, या तो 2011 की अब जरूरत तो खैर है नहीं, क्योंकि अब इसका नया आने वाला 2021 में अभी आ जाना चाहिए था, अभी तक आया नहीं है, खैर अब आ जाएगा, तो फिर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो है ये होगा कपूरथला। जो दिया हुआ है ABC, इसको उल्टा कर दीजिए, इसी रेशियो इसी क्रम में है बेसिकली, यानी पहले डी है, सी है, बी है और फिर ए है, इस प्रकार है। यानी कपूरथला जो कि पंजाब में है, बंसवारा जो कि राजस्थान में है, नागदा जो कि MP में, और दातिया झांसी के पास, ये भी MP में है। तो इस प्रकार सबसे कम इसमें है, उसके बाद इसमें है, इसमें है, उसके बाद इसमें, सबसे अगर इन चारों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है दातिया में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल कहता है हमारा, दी विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज लोकेटेड, यानी ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे लोकेटेड है। ये भाई है हमारा कन्याकुमारी, इसका सीधा सीधा जवाब है कन्याकुमारी, जो कि 1970 में बनाया गया था, 1970 में बनाया गया था। ठीक है, और ये बेसिकली कहा जाता है कि यहाँ पे उन्होंने, यानी विवेकानंद जी ने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था, तो ये यहाँ पे इसको कमेमोरेट करने के लिए इसको बना दिया गया। चलिए, यानी इसका आंसर है कन्याकुमारी। चलिए पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर्स। वैसे तो बहुत चीजें इस्तेमाल होती हैं, जैसे एक अल्कोहल बेस्ड बेस भी लेते हैं,
लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए इसमें क्या होगा, इसमें आंसर होगा इसका गैलिस्टन। गैलिस्टन क्या चीज है? गैलिस्टन बेसिकली जो है एक अलॉय है, लिक्विड अलॉय है। क्या है गैलिस्टन? एक लिक्विड मेटल अलॉय, ठीक है। अब अलॉय है तो इसके अंदर कुछ तो एलिमेंट्स, कोई मेटल्स तो होंगे, एलिमेंट्स कुछ तो होंगे। कौन कौन से हैं इसमें? गैलियम, ओके, और टिन, इंडियम, गैलियम और टिन, ये गैलिस्टन में है। तो ये लिक्विड मेटल अलॉय है, इसका इस्तेमाल कर इसमें एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मर्करी इन कार्बन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा छठा सवाल कहता है, Who among the following was the first Indian origin recipient of prestigious Pulitzer Prize? पहली बात तो ये Pulitzer Prize है क्या? ये Pulitzer Prize जो है, ये अमेरिका में स्टार्ट किया गया, USA में स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया था? ये 1917 में स्टार्ट किया गया था। एक्चुअली एक जर्नलिस्ट थे, जो जिनका नाम था जोसेफ पुलिट्जर। ये 1911 में इनकी डेथ हो गई और इन्होंने अपने विल में लिखा कि एक प्राइस स्थापना करना और इस तरह इसको देना। तो इसमें आज के टाइम पे टोटल 21 कैटेगरीज इसमें दिए जाते हैं, जिनमें ये जर्नलिज्म है, मैगजीन वगैरह, लिटरेचर, म्यूजिक कंपोजिशन, ये सब ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन रेसिपिएंट। वैसे तो अब तक बहुतों को मिल चुका है, पहले कौन थे? ये थे गोविंद बिहारी लाल, इनको मिला था 1937 में, ठीक है। किसके लिए मिला था इनको? गोविंद बिहारी लाल जी को मिला था जर्नलिज्म के लिए, ठीक है, जर्नलिज्म के लिए इनको मिला था, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है कि इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद व्हिच कंट्री? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगर इस सवाल को देखें हम तो ऑप्शन वाइज देखते हैं, ऑप्शन वाइज सारे याद रखना क्योंकि डायरेक्ट नंबर भी पूछ ले जाते हैं। तो ये जो है 4096 किलोमीटर, चाइना जो है वो है 3488 किलोमीटर। किसी किसी किताब में 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस आ सकता है, और खैर चाइना वाले के साथ तो चाइना वाले की तरफ से देखोगे तो अपना दिखाएंगे, और इंडिया वाले की तरफ से तो हम लोग ये मानते हैं 3488, ओके। नेपाल की बात करें तो नेपाल 1751 कहीं दिया होता है, कहीं 52 दिया होता है, 52 ले लेते हैं, ठीक है। और भूटान के साथ हमारा है 578 किलोमीटर का। अब चलो इसमें तो यहाँ तक तो हमने देख लिया, तो इस हिसाब से हमारा बांग्लादेश हुआ। और ये याद रखना, बांग्लादेश का सबसे ज्यादा बड़ा बाउंड्री शेयर कर बांग्लादेश एक्चुअली इंडिया के साथ, और ये वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट बाउंड्री है, ठीक है, यानी किसी कंट्री के साथ शेयर करने वाला 5th लार्जेस्ट बाउंड्री है, ये भी याद रखना। इसके साथ हमें हमारे मन में हलचल हो रही होगी, भाई पाकिस्तान के साथ कितना है? पाकिस्तान के साथ हम देखते हैं हमेशा दिन भर इतना इतना बड़ा दिया हुआ है, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की बाउंड्री, ठीक है, ये भी याद रखना। तो अपने हमारे जो है वो पड़ोसी देश के बारे में जानना जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ थ्रू, भाई एक कुछ तो मीडियम चाहिए। देखो कंडक्शन क्या होता है, कोई चीज है उस चीज को टच करते हुए कोई चीज होगी तो इसकी प्रॉपर्टी इसके अंदर, मतलब प्रॉपर्टी नहीं, मान ले हीट है, इसकी हीट इसमें आ जाएगी, तो दिस इज कंडक्शन। कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस जहां पे लिक्विड फ्लो करेगी, और इस जैसे इसमें हीट है इस एलिमेंट में, और यहां से लिक्विड फ्लो करेगी और लिक्विड इसकी हीट को लेके चली जाएगी, यानी जब फ्लो यहाँ पे फ्लूइड चीजों से रिलेटेड है, यहाँ सॉलिड से रिलेटेड है, यहाँ फ्लूइड चीज चाहिए। रेडिएशन, इसका आंसर है सी, रेडिएशन। हमें पता है सूरज की रेडिएशन आती है और उसी के थ्रू पाते हैं हम लोग, तो इसको रोजमर्रा की लैंग्वेज में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि सूरज की रेडिएशन से बच के रहो, तो ये इसका जवाब जो है वो रेडिएशन होगा, ठीक है। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नौवां सवाल कहता है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू होल्ड द मीटिंग ऑफ लोकसभा, चाहे लोकसभा हो या स्टेट असेंबली हो, किसी के भी जो हाउस की वर्किंग है उसको चलाने के लिए, किसी भी मीटिंग को होल्ड करने के लिए एक कोरम होता है, इसको कोरम कहते हैं। कोरम होता है 1/10, यानी टोटल मेंबरशिप का 1/10 होना चाहिए। यहाँ क्या सवाल है,
कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप, ये 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोरम होता है, इसको कोरम कहते हैं, इतना मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। हमारा अगला सवाल कहता है, हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। देखो भाई इनके बारे में जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये है। इनका क्या पूछा है, फर्स्ट गवर्नर, अगर गवर्नर पूछा है तो मिसेस सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू जी जो है ये 1947 से लेकर के 1949 तक उत्तर प्रदेश की, यानी उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस था, ठीक है, उसकी गवर्नर रही। इनके बारे में और जान लो, ये फर्स्ट इंडियन थी, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट, इसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये अगर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी इंडियन, तो फर्स्ट फीमेल इंडियन है, फीमेल तो कोई और थी, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट थी पहली, लेकिन यहाँ इंडियन की बात करें तो ये बनी थी 1925, यानी पहली महिला जो चेयरपर्सन थी आईएनसी की वो बनी थी 1925 में, सरोजिनी नायडू। साथ ही यही जाके यूपी की, आज जो उत्तर प्रदेश है उसी, उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस था, उनकी गवर्नर बनी थी, ठीक है। इन्हीं की बेटी जो है जिनका नाम पद्मजा नायडू है, वो वेस्ट बंगाल की, मतलब इनकी डॉटर, ठीक है, वेस्ट बंगाल की गवर्नर थी और लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर थी इंडियन फीमेल में। फीमेल की बात करें, फीमेल लॉन्गेस्ट सर्विंग की बात करें गवर्नर, तो वो कौन थी, पद्मजा नायडू, जो कि सरोजिनी नायडू की बेटी थी, ठीक है। यहाँ पे अगर पूछा जाता, चलिए इसका जब सवाल हम अगले में करेंगे, इसका सवाल भी आगे। 11वां सवाल कहता है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस यानी राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे इसका जवाब है 12। ये फैक्चुअल सवाल है, ठीक है, यानी इस तरह से टोटल कितने मेंबर हो जाते हैं राज्यसभा के अंदर, 238 तो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, प्लस 12 जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, कितने हो गए टोटल, टोटल मिला के 250 मेंबरशिप होती है इसकी राज्यसभा। ये तो हुआ हमारा सवाल, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 12वें सवाल की तरफ। ये हमारा कहता है, हु इज द कस्टडियन ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी कॉन्टीजेंसी फंड, पहली बात तो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता क्या है। एक बेसिकली एक फंड है जो कि एक्स्ट्रा में रखा जाता है, ठीक है, इमरजेंसी पर्पज के लिए। कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी पर्पज के लिए एक फंड बना के रखा जाता है, और ये रखा जाता है प्रेसिडेंट के पास, मतलब प्रेसिडेंट के बिहाफ में, प्रेसिडेंट के पास नहीं होता, प्रेसिडेंट के बिहाफ में रखा जाता है फाइनेंस सेक्रेटरी के पास। यानी किसके पास रखा होता है, ये फाइनेंस सेक्रेटरी के पास, यानी सब कस्टोडियन कौन होता है, प्रेसिडेंट। यानी फाइनेंस सेक्रेटरी तभी कुछ करेगा उस कॉन्टीजेंसी फंड का जब तक प्रेसिडेंट कुछ कह नहीं देते उस पर करने के लिए, ठीक है। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा 13वां सवाल कहता है कि नेम द गैस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का अगर फॉर्मूला याद हो, CaOCl2। अब यहाँ पे पता चल गया होगा कि कौन सा होना चाहिए। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब क्लोरीन गैस पास कर जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो एक फॉर्मूला बनता है, ये है CaOCl2 प्लस H2O, यानी कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस, ठीक है। इसका जवाब है क्लोरीन गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर किस लिए इस्तेमाल होता है, ये एक हाईली ऑक्सीडाइजर है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हाई ऑक्सीडाइजर, इसका इस्तेमाल एक्चुअली इंडस्ट्रीज में होता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी, जैसे प्योरिफिकेशन होता है ना वाटर का, हमारे यहाँ पानी पीने को आता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू ही उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है वाटर सप्लाई, ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का ये इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग्स। इंपॉर्टेंट सवाल, फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है, डर से आजादी, ठीक है, इसका, इसकी राइटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अभी अभी हमने सुना है ये, देखो ये रिलेटेड है म्यांमार से, ठीक है, म्यांमार से रिलेटेड है, अभी अभी वहां पे मिलिट्री कू हुआ है,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी जो, अब देखो इनमें से नाम पता हो तो देख लो, सी ऑप्शन आंग सान सू की जो है ये म्यांमार से रिलेटेड है, यही इनके बारे में जान लो। ये एक ये इंपॉर्टेंट आ सकता है कि म्यांमार की एक पार्टी है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी है उस तरह म्यांमार की एक पार्टी है, वो एनएलडी, ठीक है, इसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एनएलडी, उसकी ये चेयरपर्सन रही हैं, और इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है बेसिकली मिलिट्री जनता के खिलाफ, मिलिट्री रूल के खिलाफ। हम म्यांमार में हमेशा से मिलिट्री रूल एक टाइप से कह सकते हैं, जब से मिली है इनको आज़ादी तब से ये किसी न किसी तरीके से मिलिट्री रूल के अंडर ही है। तो जब मिलिट्री रूल के अंडर था तो आंग सान सू की जो है इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और ये कम से कम 15 साल तक तो हाउस अरेस्ट रही, 15 साल तक तो हाउस अरेस्ट रही, ठीक है, ये है इनका। हाँ, इनको नोबल प्राइज भी मिला हुआ, नोबल पीस प्राइज भी मिला हुआ है, और ये कब मिला था, 1991 में मिला था, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आंग सान सू की, नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं, ये साउथ अफ्रीका के लिए के फ्रीडम के लिए लड़ाई करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, दोनों एक टाइप से गांधीयन प्रिंसिपल को ही फॉलो करने वाले लोग, नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15वां सवाल कहता है, फ्रॉम विच कंट्री डज इंडिया इम्पोर्ट मैक्सिमम क्रूड ऑयल। अभी ये मार्च की रिपोर्ट है, जब इंडिया ने मतलब यूएसए ने सऊदी अरेबिया को हटा के सेकेंड पोजिशन ले आई, मतलब सेकेंड पोजिशन अटेन कर लिया, किस चीज में, इंडिया को क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करने के मामले में, यानी हमें ये तो पता चल गया कि यूएसए सेकेंड है और सऊदी अरेबिया ये फर्स्ट है नहीं, ठीक है, यानी अगर सऊदी अरेबिया जो सेकेंड था उसको हटा के यूएसए आया है तो सऊदी अरेबिया जरूर या तो वो थर्ड हुआ होगा। इसका जवाब तो पहले जान लो, ए है इराक, हम इराक से सबसे ज्यादा तेल जो है इम्पोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। हाँ, अगर एक और सवाल आता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन करता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम का, तो ये यूएसए हो जाएगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो यूएस करता है, जो कि 20% के आसपास है, सॉरी टोटल 20% शेयर इसका है इसके प्रोडक्शन के मामले में। फिर सऊदी अरेबिया करता है जो कि लगभग 12-13% के आसपास है, ठीक है, और अगर कहा जाए कि मैक्सिमम रिजर्व किसके पास है, ये भी एक सवाल पूछता है, बहुत डायरेक्ट सवाल पूछता है, किसके पास है, तो मैक्सिमम रिजर्व वेनेजुएला के पास, वेनेजुएला के पास है, पर इसको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है, इसलिए जो एक्सट्रैक्टेबल है वो तो सऊदी अरेबिया के पास आता है, ठीक है, यानी इस मामले में सऊदी अरेबिया जो है वो लीड करता है। वैसे भी हम जानते हैं तेल के उन्हें ऊपर ही वो निर्भर है पूरा। चलिए हमारा 16वां सवाल कहता है, सुचिता कृपलानी द फर्स्ट वुमन फ्रीडम फाइटर बिकेम सीएम ऑफ विच स्टेट। यानी सुचिता कृपलानी जो थी, सुचिता कृपलानी कौन थी, पहली बात तो ये देखो, जेबी कृपलानी का नाम सुने आप लोग, जेबी कृपलानी, ये आचार्य जेबी कृपलानी, ये उनकी वाइफ है और एक फ्रीडम फाइटर थी, इन्होंने अपना 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उनमें अपना योगदान बहुत निभाया था, इसलिए इस इनको जो बनाया गया था सीएम, यानी ये सीएम बनी थी, चीफ मिनिस्टर बनी थी उत्तर प्रदेश की, पहली महिला मुख्यमंत्री, और देश की, यानी देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री, देश की पहली गवर्नर तो हमने पढ़ा था, वो भी उत्तर प्रदेश से ही थी, मतलब उन्हीं की बनी थी गवर्नर, कौन थी वो, सरोजिनी नायडू। चलिए सुचिता कृपलानी की हो गया, सुचिता कृपलानी एक्चुअली 1908 में पैदा हुई, ठीक है, और ये बनी कब थी, ये आप लोग पता करिएगा कब बनी थी, ठीक है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल। आज तक इंडिया की इंडियन वुमेन बोला, ठीक है, तो इंडियन वुमेन दो मिस यूनिवर्स बन गई अभी तक, दो, पहली थी सुष्मिता सेन और ये बनी थी 1994 में, सेकंड बनी थी लारा दत्ता और ये बनी थी आई थिंक 2001 में बनी थी, ठीक है, डेट देख लेना आप लोग। तो ये इसका क्या है, फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल कौन होगा, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन। मिस वर्ल्ड कितने लोग बने, मिस वर्ल्ड एक तो ऐश्वर्या बनी है, ऐश्वर्या राय, दूसरा प्रियंका चोपड़ा,
की से तो अभी अभी 2017 में बनी है, कौन? मानुषी चिल्लर। ओके चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा 18वां सवाल कहता है कि इन विच ईयर डिड द इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट। ये तो फैक्चुअल सवाल है, ये तो याद होना चाहिए, तो ठीक है। पहली बार 2008 में स्टार्ट किया गया था और इसका विनर कौन था? राजस्थान रॉयल। ठीक है, राजस्थान रॉयल जो है वो विनर था फर्स्ट एडिशन का, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा 19वां सवाल कहता है कि हु वन नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर टू टाइम्स। दो बार केमिस्ट्री में नोबल प्राइज जीतने वाले का नाम क्या है? ये है ऑप्शन बी, फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर जो है केमिस्ट्री में, इन्होंने एक बार 1958 में और एक बार 1980 में, दो बार इन्होंने जीता। और ये जो 1958 में जीता था, इनको मिला था, वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिफाइन करेंगे इसके लिए, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और इसमें भी स्पेशली इंसुलिन। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए 1958 में इनको मिला नोबल केमिस्ट्री का। ठीक है, उस 1980 में जो मिला था, ये मिला था वो न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को, यानी सीक्वेंसिंग को स्टडी करने के लिए। किसको स्टडी करने के लिए? न्यूक्लिक सीक्वेंसिंग को। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंसिंग को स्टडी करने के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा 20वां और आज का आखिरी सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन नेपाल एंड फ्लोज इनटू गंगा एट गैंजेस। तो कौन सी ऐसी नदी है? पहली बात, सोन हो सकता है, यमुना हो सकता है, या गंडक हो सकता है, देखते हैं क्या शारदा है। शारदा जो है ये उत्तराखंड में स्टार्ट होती है। ठीक है, शारदा एक जगह है उत्तराखंड में, काला पानी। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इस पे नेपाल का और लास्ट ईयर नेपाल और इंडिया का इस पे एक इशू क्रिएट हुआ था काला पानी रिलेटेड, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। शारदा रिवर जो है वो उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, उत्तराखंड इंडिया में है तो नेपाल हो नहीं सकता। ठीक है, सोन मध्य प्रदेश से शुरू होता है, यमुना उत्तरकाशी से शुरू होती है, मतलब उत्तराखंड से शुरू होता है, ये भी इंडिया में। बचा कौन? गंडक। इसका ऑप्शन होता है डी, गंडक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये मिलता कहां पे है? गंगा से मिलता है, मीट्स गंगा इन छपरा। छपरा नाम सुने? ये बिहार में एक जगह है। ठीक है, छपरा में जाके मिलता है। तो ये थे आज के हमारे सवाल। चलिए इसको रिवाइज करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और हमको मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।